कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बेसिकली इस गेम के बारे में नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी दिनों से मैं इस गेम के बारे में भी कोई वीडियो नहीं बना पाया। ये वीडियो का पर्पस आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस है, स्पेशली उन लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके हैं या क्रिप्टो करेंसी में अभी बिल्कुल न्यू हैं। और जब बंदा स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में या फिर किसी भी तरह की जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है ना, स्पेशली ट्रेडिंग वगैरह में आप होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बंदे की ख्वाहिशात और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उम्मीदें होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा बंदा लॉस भी करता है, स्पेशली वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी में या जितनी भी आपकी फॉरेक्स की ट्रेडिंग वगैरह होगी या कमोडिटीज़ हैं, आप उसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझा होता नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने जैसे यूट्यूबर्स की और उसके बाद बाकी ख़बरें सुनी होती हैं ना, कि सुबह बंदा जो था वो लेट्स से उसके पास $100 था और शाम को उसके पास $1,00,000 हो गया, तो इस तरह की मतलब कि उम्मीदें होती हैं और बाद में बंदा मतलब काफ़ी ज़्यादा अपना लॉस कराता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग क्रिप्टो करेंसी के उस टाइम पर हैं जहाँ से क्रिप्टो करेंसी बहुत ही जल्दी बूम होना स्टार्ट होगी। और बिलीव मी, ये चीज़ें काफ़ी लोगों को मुनासिब नहीं लगती होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे उस टाइम पर आए थे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जब ये ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में थी क्रिप्टो। बट एनीवेज, पाकिस्तानी भाइयों के लिए मैं स्पेशली किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे कहने पर कल किसी से उधार लेकर या कुछ अपनी चीज़ सेल करके, बाइक सेल करके या अपनी सेविंग सारी की सारी क्रिप्टो में डाल दें। लेकिन अगर कोई बंदा क्रिप्टो से पैसा कमाना चाहता है तो आपके पास अभी टाइम है कि आप क्रिप्टो में एंट्री लें या फिर थोड़ा सा रिस्क लें। जिस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लिया, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा और रिस्क लें, लेकिन आपने सेव करके मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, ये भी एक एक्चुअली टोटल रिस्क है। अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से कुछ कमा लिया है। मैंने एक वीडियो बनाई थी रिटेक फाइनेंस के ऊपर, जहाँ पर मैंने प्री सेल में ऐसा लिया था दो स्टेजेस पर। ये मेरा स्टेज है जहाँ पर मैंने आई थिंक 8वें स्टेज पर पार्टिसिपेट किया था, राइट, इधर चेक करते हैं, सॉरी 6ठे स्टेज पर। और एक मेरा दूसरा वैलेट है, वो मैंने यहाँ पर 3rd स्टेज पर इसमें एंट्री ली थी, लेकिन थोड़े पैसों के साथ। यहाँ पर भी $50 थे, वहाँ पर भी $50 थे, लेकिन वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स मिले। अभी 623 कॉइन्स है मेरे पास। और वीडियो बनाते हुए जहाँ इसका जो रोड मैप था, इनके जो प्लान्स थे, ये सारी चीज़ें देखकर, टीम जो थी उसको देखकर, मैं बोला था कि मतलब कि काफ़ी अच्छा $20-$30 प्लस ये कॉइन पहुँच सकते हैं। तो कुछ दिन पहले इस कॉइन की लिस्टिंग हुई और ऑफकोर्स अभी ये रिलीज़ भी कर दिया गया है, बाई के लिए भी आपके पास ओपन है, काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। अभी जब जो बाइनेंस है उस पर तो इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर देखें, क्योंकि आज इसकी अनलॉकिंग स्टार्ट हुई, आज काफ़ी ज़्यादा लोगों को 5% कॉइन मिले, तो एक हैवी सेलिंग भी हुई है जिसकी वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी है, डंप हुई है एक तरह से। बट ऑलमोस्ट ये $2 को इसने टच किया, 2.6 लिस्टिंग के टाइम पर, उसके बाद ये दोबारा ये $2.46 पर रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ पर देखें कि आपका $1.6 और अभी यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो एनीवेज, अगर ये करंट जो प्राइस है 0.38, अभी मुझे सिर्फ 5% मिलेंगे, जो कि अराउंड आई थिंक 36 का हाफ करेंगे तो 18 कॉइन जो है मुझे आई थिंक मिलेंगे, अगर मैं इसको क्लेम करूँ अभी फिलहाल, क्योंकि हर वीक में आपको 5% मिलेंगे। इनका जो क्राइटेरिया है ना कि आपको कैसे इनकी वेस्टिंग होगी, तो वेस्टिंग आप चेक करेंगे तो आपको ओनली 5% मिलने हैं हर हफ्ते में। बट ऑफकोर्स अपकमिंग अभी इनकी जो स्टेकिंग है वो भी लाइव हो जाएगी, और सब लोगों को मालूम है जो ही स्टेकिंग लाइव होती है, और स्पेशली अभी की स्टेकिंग, क्योंकि अभी की स्टेकिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड मिलता है, तो हो सकता है इसकी प्राइस दोबारा मतलब ऊपर पंप करे। बट ऑफकोर्स मैंने ये जो $50 लगाए थे ओनली एज अ बोलते हैं ना शर्त या बेट लगाई थी, तो अगर ये $3-$5 पहुँचता है तो हो सकता है मैं इसको सेल ना करूँ। अगर सेल करूँ भी तो दोबारा बाय करने के लिए इसको सेल करूँ, क्योंकि मेरा टारगेट इस कॉइन के लिए कुछ और है, एटलीस्ट $10-$15 या $20 पहुंचेगा तो उसके बाद ही फिर मैं इसको सेल करने का प्लान करूंगा। तो एनीवेज, ये आपको एग्जांपल आपको बहलाने के लिए या आपको मतलब कि ना इस रास्ते पर लाने के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि आप ट्रेडिंग वगैरह से मतलब के बचें, स्पेशली इस टाइम में या किसी भी टाइम पर हैं, स्पेशली न्यूबीज या वो लोग जो फुल टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं और जो मार्केट की मूव्स हैं उनको नहीं समझते हैं। इसके लिए आपको कोई बड़ा टेक्निकल गुरु होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्रिप्टो में स्पेशली कोई भी टेक्निकल गुरु नहीं है, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। हाईली यहाँ पर देखें तो मैनिपुलेशन होती है, वेल्स हैं, सारी चीज़ें मार्केट को अपनी मर्जी से मूव करते हैं। बट ऑफकोर्स कुछ अच्छे से कॉइन्स अगर आप आइडेंटिफाई करके उनमें थोड़े से पैसे लगा देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, आपने पैसे सिर्फ वही लगाने हैं कि जो आपके पास बिल्कुल एक तरह से एक्स्ट्रा पड़े थे, आपको उन पैसों की ज़रूरत नहीं थी इतनी अर्जेंट, और उसके बाद आप वेट कर सकते हैं कुछ अर्सा, एक साल, दो साल, या लेट्स से कि 1.5 साल, एटलीस्ट मिनिमम 1.5 साल आप अगर वेट कर सकते हैं, तो अच्छे अच्छे कॉइन्स आप आइडेंटिफाई करें, उनमें इन्वेस्टमेंट करें। रिटेक फाइनेंस एक एग्जांपल थी,
इस पर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बिल्कुल एक न्यू बार्न कॉइन है, फेल हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अच्छे अच्छे कॉइन्स आपका XRP नो डाउट बहुत अच्छा कॉइन है अभी तक। इसकी जो प्राइस है, सॉरी, इसमें कुछ खासा मतलब चेंज नहीं आया है, काफ़ी अच्छा कॉइन है ये भी, XRP भी है, कार्डानो इवन अच्छा कॉइन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अरसे से सोया हुआ है। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉइन अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, पोलकाडोट अच्छे प्लान हैं लोगों को, अच्छा कॉइन है मेरी नज़र में। और उसके बाद अगर आप चेक करें, इंटरनेट कंप्यूटर काफ़ी महंगा हो गया अभी, $12 का हो गया। रेंडर काफ़ी एक अच्छा कॉइन था, बहुत ज़बरदस्त कॉइन था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और $2-3 का ट्रेड कर रहा था, $4 का ट्रेड कर रहा था, और अभी ऑलरेडी यहाँ पर देखें तो $10 का हो गया है। लेकिन इससे अच्छे अच्छे कॉइन और भी हैं जो अभी मतलब के ना छुपे हुए हैं, गारंटीड से कोई नहीं बोल सकता, लेकिन कास्बा बहुत अच्छा नैरेटिव है लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा मतलब की कम्युनिटी भी स्ट्रांग है। इसी तरह के अगर आप GRT चेक करें ग्राफ, तो ये भी एक अच्छा कॉइन है नो डाउट, क्योंकि अभी आपकी जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी मतलब कि ना काफ़ी बूम होने हैं अभी। आपका जो मैसेंजर है, आपका जो व्हाट्सअप है, आपकी जो फेसबुक है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मर्ज हो चुकी हैं AI में। SUI इन लोगों का खुद का है कि लोग एक लॉन्च पैड स्टार्ट करेंगे, और लॉन्च पैड का कॉइन भी है, तो SUI भी सुई जो है वो भी एक अच्छा कॉइन है नो डाउट। बेरिश ट्रेंड में इसकी लॉन्च हुई, अभी इसने परफॉर्म करना है, तो हम लोग मेनली अगर आप बाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना, या तो वो कॉइन को आपने बाय करना है कि स्ट्रांगली बिलीव करते हैं जिन पर, और काफ़ी अच्छी मतलब उनकी टीम है, काफ़ी अच्छे वो लोग फंडेड है। जैसे कि अगर आप स्वैप में देखते हैं तो पैनकेक स्वैप एक फैला हुआ नेटवर्क है, सुशी स्वैप जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ नेटवर्क है, कार्डानो जो है काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपने उन कॉइन्स पर रिस्क लेना है जिन पर जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि केक ने $44 से या $40 से नीचे आया था $1 के करीब करीब, और आज अभी पता नहीं कितने पर ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो काफ़ी अर्सा मार्केट को चेक भी नहीं किया। केक की प्राइस चेक करते हैं, पैन केक स्वाब हो गए $2.91, अभी भी मेरी मतलब की जो रिसेंट बाइंग थी उससे ऊपर चला गया काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40% ऊपर ही है, बट फिर भी मतलब कि एक कॉइन भी इस पर मैं बिलीव करता हूँ मैंने, इसलिए इस पर रिसेंटली भी इन्वेस्ट किया था जब इसकी प्राइस जो थी वो नियरली $2 चल रही थी। तो वैसे ही पोलकाडोट मैंने आपको बोल दिया, अगर आप रिस्क लेना है तो उन कॉइन्स के बारे में जो बेरिश ट्रेंड में लॉन्च हुई अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो एनीवेज आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, बहुत ही अच्छे नैरेटिव्स हैं, अभी हम लोग इस पर एक डेडिकेटेड या एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे लेटर ऑन कि कौन कौन से कॉइन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 8-10 वीडियो मैंने बनाई थी कॉइन्स के ऊपर, और मैं खुद भी थोड़े थोड़े बाय कर रहा था, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, जिसमें कास्बा भी था, इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ और कॉइन्स जो अभी तक फाइनेंस पर नहीं है, लेकिन वो गेट डाटा आई और उसके बाद मतलब कि कुकॉइन जैसी जो एक्सचेंजेस हैं उन पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह आपके पास अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, उन पर इन्वेस्ट करें प्लीज़, ट्रेडिंग से दूर रहें अभी भी और कभी भी, समझिए आप आज भी और उसके बाद मतलब जब भी आप सोच रहे हैं ट्रेड करने का, तो उससे पहले 5-10 मिनट दें खुद को, सारी चीज़ों को एनालाइज करें और उसके बाद। लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, खैर गारंटी तो है कोई भी नहीं दे सके, सिवाय BTC के, एथेरियम के, BNB के, सोलानो के, जो मेजर कॉइन्स हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे जो कॉइन्स थे वो फ्लॉप हो चुके हैं, अच्छी अच्छी जो आपके पास कंपनियाँ थी वो बंद हो चुकी हैं। बट अगर कोई बंदा एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करे, एक प्लान करके अपनी इन्वेस्टमेंट करे क्रिप्टो करेंसी में, और अभी वो लगाता है सिर्फ $200-$300 आपका एट मिनिमम, $6,000-$7,000 आप ये जो बुल रन है इसमें आप हासिल कर सकते हैं। इस बुल रन में आपको 6-7,000 जो डॉलर्स हैं आपको मिल सकते हैं आपके सिर्फ 200 या 300 की इन्वेस्टमेंट से। जो लोग ये गेम प्ले कर रहे थे फ्री में अर्न किए, या अभी आपने अभी ये भी बाई कर लिया, पिक्सल को भी आप होल्ड करें, क्योंकि बेरिश में इस गेम की लॉन्च हुई, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई एक गेम है, और पिक्सल का रियल यूज़ आएगा गेम के लेटर ऑन जो अपडेट्स रहेंगे, और हो सकता है कि ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस ऊपर जाए। लेकिन अगर कोई बंदा इसको थोड़ा सा चांस लेना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, तो मे बी फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ से 85 कमा लिए, पहले कमाए थे 150 के करीब करीब, वो विड्रॉ कर लिया, उसके बाद 85 अभी भी हैं, हो सकता है कि ये 100 पहुँचे या 120 पहुँचे, तो मैं इनको विड्रॉ करके 60 कॉइन सेल करके किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूँ। तो ऐसे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है, ट्रेडिंग से दूर रहना है, और पैसों को इन्वेस्ट करके भूल जाना है कुछ अर्से के लिए, 1-1.5 साल। अभी आप बहुत ही अच्छे टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छे प्रॉफिट्स लेने की क्रिप्टो से। अगर किसी बंदे को कोई क्वेश्चन हो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। एंड माजरत चाहता हूँ, मैं काफ़ी लेट मैंने रिप्लाई किया, 5-5-6-6 दिन बाद कुछ लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया, उसकी रीज़न काम था और भी मतलब मसरूफियात थी, कुछ चीज़ें थी कि मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर था। इवन गेम भी मैं कंटिन्यूसली प्ले नहीं कर रहा था, कभी कभी दिन में 1-2 बार इसको ओपन कर लेता था, बट अभी मैं कोशिश करूँगा कि डेली 1-2 वीडियो या एटलीस्ट जिस चीज़ के बारे में आपने पूछा है उसका आपको आंसर करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।